हे परमपिता परमेश्वर, आपके आशीर्वाद से नीमा को नई जिंदगी मिल सकती है। मेरी मदद कीजिए ताकि मैं नीमा की मदद कर सकूं। यीशु, तुम रब्बी गुरु जी से माफी क्यों नहीं मांग लेते? सालों से अंधी लड़की आखिर एक दिन में कैसे देखने लगेगी भला बताओ? कैसे, ये तो मैं नहीं जानता चाची, लेकिन मैंने देखा है कई दिनों तक रेंगने वाला कीड़ा एक दिन अचानक तितली बनकर उड़ने लगता है। मुझे पूरा विश्वास है कि नीमा के साथ भी परमपिता ऐसे चमत्कार करेंगे। अगर ईश्वर को कोई चमत्कार करना होता तो अब तक कर चुके होते माँ। मैं सिर्फ यीशु को इतना बताना चाहती हूँ कि उम्मीद लेकर ना बैठे कि ईश्वर मेरी आंखों की रोशनी लौटा देंगे। मैं तुम्हारे मन की दशा समझ सकती हूँ बेटा, पर अपने लिए ना सही, कम से कम यीशु के लिए एक बार ईश्वर के आगे समर्पण करके तो देखो। आज असीम आनंद की अनुभूति होने वाली है, क्योंकि आज के बाद इस गांव के लोगों की नजर में मेरा स्थान और भी ऊंचा होने वाला है। तुमने मेरे भक्त को तोड़ा है ना यीशु, देख लेना, इस गांव के हजारों लोगों को तुम्हारे खिलाफ कर दूंगा। प्रभु तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। आह क्या एहसास है, मैं तो अभी से ही खुद को विजयी महसूस कर रहा हूं। ज़्यादा मातम मनाने की जरूरत नहीं है, मरने नहीं जा रही तुम्हारी बेटी। मरने नहीं, पर हारने तो जा रही है ना। मुझे पूरा विश्वास है कि आज परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से इन सभी फूलों के रंग अपनी आंखों से देख पाओगी। क्या हुआ नीमा? आप सही कह रही थी माँ, अगर यीशु को मेरी वजह से दंड मिला तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। पर माँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने मन में ईश्वर के लिए समर्पण भाव कहाँ से लाऊं। ऐसे में तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। तुम्हारे मन में चल क्या रहा है नीमा? हारने से अच्छा तो मर जाना बेहतर होगा ना माँ। यीशु, क्या हुआ? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 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 क्या? जैसे कुछ ऐसा होने वाला जो नहीं होना चाहिए। माँ, आप हमेशा कहा करती है ना कि हमारा जीवन परमपिता परमेश्वर का सबसे सुंदर उपहार है।
फिर कोई कैसे इस उपहार को ना कर सकता है? हे ईश्वर, यीशु आपकी संतान है। उसने महसूस कर लिया है कि निमा के मन में क्या चल रहा है। यीशु के सवालों का क्या जवाब दूं मैं? कैसे समझाऊं उसे कि जब किसी की पीड़ा सहन करने की शक्ति दम तोड़ने लगती है, तो कभी कभी इंसान के मन में खुद को खत्म करने के विचार घर करने लगते हैं। बताइए ना माँ, कोई परमपिता परमेश्वर के उपहार को ना कैसे कर सकता है? तुमने सही कहा, जीवन अनमोल होता है और ईश्वर का दिया हुआ सबसे सुंदर उपहार भी। और कोई इस उपहार के लिए ना कहता है तो इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। ऐसे में हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे वो ना हाँ में बदल जाए। जब कभी हम असहाय महसूस करते हैं तो हमें लगता है कि यह उपहार बहुत बुरा है, लेकिन माँ उपहार को बिना खोले कोई कैसे बता सकता है कि वो अच्छा है या बुरा? और किसी को ये बात समझ में कैसे आएगी? जैसा कि आप हमेशा कहती हैं, परमपिता परमेश्वर पर विश्वास करके और उनके सामने आत्मसमर्पण करके। गांव के सभी लोग आ गए हैं गुरुजी। विराजमान परमपिता परमेश्वर के सामने अपना सर झुकाता हूं। जैसा कि आप सब लोग मुझे कई सालों से जानते हैं, मैंने कभी क्रोध नहीं किया, लेकिन जब कोई ईश्वर का अपमान करता है तो बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। और जब से ये बच्चा गांव में आया है तभी से ईश्वर का अपमान कर रहा है। बच्चा समझ के मैंने इसे अभी तक कोई सजा नहीं दी, बल्कि इसे एक मौका दिया मैंने कि इसके कहने के अनुसार ईश्वर किसी की भी प्रार्थना सुन सकता है। तो मैंने कहा सिद्ध करके दिखाओ, 2 दिन के अंदर अंदर मेरी अंधी बेटी की आंखों की रोशनी वापस लाकर दिखाओ। तो अब 2 दिन पूरे हो गए हैं, निर्णय का समय आ चुका है। निर्णय तो करना ही होगा बच्चे का। 2 दिन हो गए हैं लेकिन ये कुछ सिद्ध नहीं कर पाया। हाँ, सही कह रहे हैं। हे ईश्वर, आप तो जानते हैं कि यीशु के मन में नीमा के लिए कितनी करुणा, दया और प्यार है। मुझे विश्वास है कि आप अपनी संतान को आशीर्वाद देकर इस चुनौती में हारने नहीं देंगे।
कैसे ईश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहे हो देवदूत? डर लग रहा है तुम्हें कि कल जब मेरे फर्जी देवदूत रब्बे गुरु जी तुम्हारे चहेते यीशु को गांव से बाहर निकाल फेंकेंगे तो कहां जाएगा बेचारा यीशु? शैतान, तुम अपने चहेते रब्बी गुरु जी का साथ दो। मेरा विश्वास तो अभी भी ईश्वर की संतान यीशु पे अड़िंग है। तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि जीत किसकी होगी। अच्छा, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, आप सब लोग जानते हैं, आज ये बच्चा भी जान जाएगा कि ईश्वर का सच्चा संदेश वह कौन है। देखिए देखिए देखिए, आप लोग मेरी अंधी बच्ची की तरफ देखिए, अभी भी अंधी की अंधी है, अपने पापों का प्रायश्चित कर रही है बेचारी मेरी बच्ची। प्रायश्चित कर रही है ये। यीशु, तुम हार गए, नहीं लौटा पाए मेरी बेटी की दृष्टि वापस। क्योंकि दी हुई चुनौती को यीशु पूरा नहीं कर पाया, इसलिए मैं इस गांव का मुखिया और ईश्वर का सच्चा संदेश वाहक इसको सजा सुनाता हूं। यीशु अपने पूरे परिवार के साथ इस गांव को इसी वक्त हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए। खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? यीशु से कहो रब्बी गुरु जी के चरणों में अपना सर झुकाए, उनसे माफी मांगे, जाओ मेरी। लेकिन अभी 2 दिन पूरे नहीं हुए गुरु जी, सूरज के डूबने तक उम्मीद बाकी है। परमपिता परमेश्वर अभी भी नीमा की दृष्टि लौटा सकते हैं। तो बच्चा है, लेकिन आप लोगों ने उसे कैसी परवरिश दी है कि मुझसे हार मानने की बजाय बहस कर रहे हैं मुझसे? मैं जरूर सिखाता आप लोगों को अच्छे माता पिता बनने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन अफसोस आप लोग तो आज गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। ईश्वर की इच्छा से ही हम यीशु के माता पिता बने हैं। हमने उसे हर संभव अच्छे संस्कार देने की कोशिश की है, इसके आगे हमने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया है। जो उनकी मर्जी होगी वही होगा। प्रभु तेरी माया। यीशु, ईश्वर बहुत दयालु है। जाने से पहले ईश्वर से क्या मांगना चाहते हो? मांगो 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 मांगो। दया। बहुत अच्छी, तो फिर माफी मांग लो रब्बी गुरु जी से। अब देखना, मैं तुम्हारी गर्दन कभी उठने ही नहीं दूंगा। दया। मुझसे कैसी दया चाहते हो यीशु? बोलो। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि परमपिता परमेश्वर बड़े दयालु है, इसलिए मैं उनसे दया और आपसे आज्ञा चाहता हूँ एक बार नीमा से बात करने की।
कुछ नहीं होगा माँ, यीशु का सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। ये सारे विवादों की वजह मैं हूँ। ये सब तभी खत्म होगा जब मैं मर जाऊंगी। हाँ नीमा, अभी तुम्हारी लच्छेदार बातें सुन सुन के ऊब चुकी होगी। जाओ मिल लो आखिरी बार उससे। जाओ जाओ जाओ। नीमा, तुम्हारे मन में जो बुरे विचार आ रहे हैं उनको त्याग कर सिर्फ एक बार परमपिता परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण कर दो। जब हम परमपिता परमेश्वर की परीक्षा लेते हैं तो वो भी हमारी परीक्षा लेते हैं। परमपिता परमेश्वर की परीक्षा लेना बंद करो नीमा, फिर वो भी तुम्हारी परीक्षा लेना बंद कर देंगे। ये यीशु क्या कह रहा है? क्या आत्मसमर्पण से सब ठीक हो जाएगा? तुम बहुत अच्छे हो यीशु, इसलिए तुम्हें हर किसी में सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही नजर आती है। पर ये दुनिया बहुत बुरी है यीशु, खास करके एक अंधी लड़की के लिए। बच्चा जब आंखें खोलता है तो सबसे पहले अपनी माँ का चेहरा देखता है, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ अंधेरा देखा है। लोगों की तरह तरह की बातें सुनती आई हूँ कि मैं पापी हूँ इसलिए अंधी हूँ, लेकिन कभी किसी ने ये समझने की कोशिश नहीं की कि मुझे कैसा लगता होगा। मुझे दया नहीं चाहिए, मुझे प्यार चाहिए था, अपना पन चाहिए था। तुमसे पहले किसी ने ऐसा नहीं सोचा, और जब भी मन दुखी हुआ मैंने ईश्वर पे सारा गुस्सा निकाला, तो वो मुझे कैसे माफ कर सकते हैं? और ईश्वर के होते हुए मैंने इतना भोगा है, तो मैं उन्हें कैसे माफ कर सकती हूँ? मैं इस बात के लिए आभारी हूँ कि आखिर में सही किसी ने मेरे प्रति करुणा तो दिखाई। इसलिए अब ईश्वर से नाराज होकर कोई मतलब नहीं, अब मैं खुद से नाराज हूँ क्योंकि तुमने मुझ पे इतना भरोसा किया और मैंने यकीन मानो यीशु, तुम्हारी सच्ची दोस्ती, सच्ची करुणा, सच्ची दया काफी है मेरे लिए। अब और कुछ नहीं देखना चाहती मैं, नहीं चाहिए मुझे मेरी आंखों की रोशनी। तुम्हारे मन में जो बुरे विचार आ रहे हैं उनको त्याग कर सिर्फ एक बार परमपिता परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण कर दो। या तो परमपिता परमेश्वर के सामने समर्पण करो या फिर इस सच को जान लो कि किसी के आगे सर झुकाने का मतलब है परमपिता परमेश्वर के आगे सर झुकाना। मैं समर्पण करती हूँ ईश्वर के सामने नहीं, मेरे दोस्त यीशु के सामने, क्योंकि मेरे लिए वही ईश्वर है। मैं यीशु के सामने समर्पण कर रही हूँ, यानी कि ईश्वर के सामने समर्पण कर रही हूँ।